पहली शर्त है देह का त्यागन करो, देह की स्मृति भूलो, अपन को आत्मा समझो। इसलिए चार विकार तो माफ हैं, उन चार प्रकार के विकारियों को राजाई मिल जाती है, लेकिन जो देह अहंकार को नहीं छोड़ता, अहंकारी रसियन, उनके कुल में कोई को भी राजाई नसीब नहीं हुई, कोई राजा नहीं हुआ। भगवान राजाई देता है, कैसा भी कोई पतित से पतित आत्मा क्यों न हो, सबको राजाई देने के लिए बांधा हुआ है, अगर पुरुषार्थ करे तो। लेकिन अहंकारियों को राजाई नहीं मिल सकती। सदा का मतलब यह है शिव माने बिंदी, और वो बिंदु रूपी स्टेज जो है वो परसेंटेज में है, सत्युग के आदि में वो प्रजापिता की स्टेज 100% है, दूसरे जन्म में थोड़ी कम होती, तीसरे चौथे और अंतिम 84वीं जन्म में भी थोड़ी कम होती, लेकिन पूरी खत्म नहीं होती। हाँ, इसलिए हर युग में वो आत्मिक स्टेज कुछ न कुछ रहती जरूर है। ये है व्यक्त, हाँ वो है मतलब ये है व्यक्त, माना जिस समय ब्रह्मा बाबा जीवित थे उनके मुख से ये वाणी चलाई जा रही थी, उस समय ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया, ये है व्यक्त, दोनों जीवित थे इसलिए बोला ये है व्यक्त। और फिर वही प्रजापिता जब ज्ञान में आ जाता है, बेसिक नॉलेज ले लेता है, फाउंडेशन बेसिक ज्ञान का पक्का हो जाता है मैं आत्मा हूँ, तो वो अव्यक्त स्टेज धारण कर लेता है, मनन चिंतन मंथन में स्थाई हो जाता है। इसलिए वो उन दोनों के लिए बताया एक, दोनों ही एक है। अभी जब तक वाणी चल रही थी तब तक था व्यक्त, माने दुनियावी बातों में बुद्धि लगी हुई थी, हद की बातों में बुद्धि लगी हुई थी, ब्रह्मा की भी और प्रजापिता वाली आत्मा की भी व्यक्त बातों में बुद्धि लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और प्रजापिता वाली आत्मा ज्ञान में आ जाती है बेसिक में, तो वो मनन चिंतन मंथन की गहराई में चली जाती, इसलिए वो अव्यक्त हो जाती, शरीर होते हुए भी अव्यक्त हो जाती। इसलिए बोला चाहे व्यक्त है और चाहे वो अव्यक्त, लेकिन हैं दोनों एक, ऐसे बोला। बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। परलांग तो जो यहाँ की बात है वही वहाँ की बात बताई, लेकिन ब्रह्मलोक भी दो प्रकार के बता दिए। एक ब्रह्मलोक है जो निराकारी दुनिया है, और निराकारी दुनिया के ब्रह्मलोक के लिए यहाँ बोला है तुम ब्रह्मलोक को यहाँ उतार लेंगे, परम धाम को तुम साकारी शक्ति पर उतार लेंगे, माने साकारी शक्ति में जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं उनको ज्यादा लंबे चौड़े घर की जरूरत नहीं है, उनके दिल में ही इतनी जगह होगी कि थोड़ी जगह में बहुतों को समेट सकते हैं, जैसे शहद की मक्खियां होती हैं, कितनी मक्खियां रहती हैं छोटे से छत्ते में, हजारों की तादाद में, और सब एक दूसरे से कंट्रोल्ड, सब अपने अपने काम में लगी रहती हैं, एक दूसरे से झगड़ती हैं कि तुमने हमारे माथा से माथा क्यों बिगाड़ दिया,
तो हमारे ऊपर क्यों चढ़ बैठी? कहीं झगड़ा होता है? नहीं होता। तो ऐसे ही कहा जाता है कि दिल के अंदर जगह होती है, जगह की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। एक फरलांग 500-700 करोड़ बिंदु बिंदु आत्माओं के लिए काफी है। विकारों का मूल ही है देह अभिमान। देह अभिमान है बाप विकारों का। पांच विकारों का बाप कौन? जो रावण के चित्र में 10 सिरों के ऊपर जो अगला सिर दिखाया गया है वो कौन सा है? गधे का। गधा कितनी भी बार उसको नहलाया धुलाया जाए लेकिन फिर भी क्या करेगा? जहां धूल देखेगा वहीं धूल जाएगा। तो देह अभिमान है सब विकारों का बाप। वो जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक पांच विकार खलास नहीं हो सकते। इसलिए बोला है एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन होने से सब पावन हो जाते हैं। ये बात राम वाली आत्मा के लिए लागू होती है या कृष्ण वाली आत्मा के लिए लागू होती है? राम वाली आत्मा के लिए उसने जो कह दिया इस धरती पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। कृष्ण वाली आत्मा सदा कायम आत्मिक स्थिति में थोड़ी ही है। हाँ जी होगा क्या? होता ही है। देह के नाम होते हैं, आत्मा के नाम थोड़े ही होते हैं। जिस आत्मा का नाम होता है वो सिर्फ एक ही है। क्या? शिव। उसका सदैव ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं है परंतु सत्य रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जब आती है और अनेक प्रकार के पार्ट बजाती है तो नाम चेंज हो जाते हैं। है? मुड़ जाता है। मुझ? मुझ माने बंद जाओ, बंद हो जाता है। ऐसा है, एक होता है व्यक्त स्टेज, आंखें पूरी खुली हुई है और फिर भी पूरी आंख खुली हुए होते हुए भी निराकारी बिंदु की स्टेज छूटती नहीं है। निराकारी बिंदु की स्टेज भी याद है, सुप्रीम सोल भी याद है और साथ साथ जिस आत्मा को दृष्टि दी जा रही है वो भी देखने में आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 63 जन्मों के हिसाब किताब राम वाली आत्मा की ये भी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और वो हिसाब किताब इतने तीव्र होते हैं कि ज्यादा शक्ति होने पर भी, ज्यादा ताकत पूरी पुरुषार्थ की पावर लगाने पर भी वो दोनों चीजें नहीं हो पाती कि सुप्रीम सोल बाप भी याद रहे और सामने वाली आत्मा भी याद रहे। तो सामने वाली आत्मा को कभी कभी ऐसा लगता है कि वो दृष्टि नहीं ले पा रही। जैसे अव्यक्त स्टेज है वो शंकर के चित्रों में भी 2 प्रकार की दिखाई, एक तो पूरी आंखें खुली हुई हैं लेकिन निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई देती है और कभी कभी क्या होता है आंखें अर्धनिमित नहीं बंद नहीं अर्धनिमित, अगर बंद हो जाए नींद आ जाए तो झटका भी आएगा और झटका आएगा इसका मतलब नींद आ गई। तो नींद आने वाली बात नहीं,
लेकिन वो निराकारी स्टेज में जैसी शक्ति लेने वाले को मिलनी चाहिए वैसी शक्ति लेने वाली आत्माएं भी नहीं खींच पाती, और देने वाली आत्मा जो है वो उस निराकारी स्टेज में टिकने के लिए बहुत पुरुषार्थ होता है। दोनों को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ज्ञान से इसका क्या कनेक्शन? जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास गया और राम के संगी साथियों को भी दिखाया, ऐसे ही पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिखाया। पांडवों को 13 वर्ष का, तो ये जो 13 वर्ष की 14 वर्ष की बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। पहले आराम से साथ में घर में बैठ करके पुरुषार्थ करते होंगे एक जगह स्थायी होकर के, बाद में फिर कांटों के जंगल में भटकना पड़े, तो जो कांटों के जंगल में भटकने की यादगार है वो 13-14 साल दिखा दी। कलयुग के 4 भाग, कलयुग के 4 भाग के उपाय पूरे षष्ठी चक्र के ही 4 भाग है। जो स्वास्तिक चिन्ह है उसके ही 4 भाग दिखाए गए, ऐसे ही हर युग के 4 भाग हैं। सतयुग है वो देवता वर्ण की आत्माओं के लिए, त्रेता है क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं के लिए, द्वापर है वैश्य वर्ण की आत्माओं के लिए, और कलयुग है शूद्र वर्ण की आत्माओं के लिए खास। लेकिन जो भी युग है वो 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है, यानी देवता वर्ण की आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है कलयुगी सतयुगी शूटिंग में। उस सतयुगी शूटिंग का जो पहला हिस्सा है वो सतो प्रधान हिस्सा है देवताओं के लिए, आखिरी जो हिस्सा है वो तमो प्रधान है। इसलिए सन 76 में देवता वर्ण की आत्माओं की तामसी जब शूटिंग होती है उस समय के लिए कहा गया है कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। कौन से वर्ण की आत्माओं के लिए? जो देवता वर्ण की आत्माएं उस समय पुरुषार्थ कर रही थी सन 76 तक, उनके लिए। ऐसे ही कलयुग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, शूद्र वर्ण की आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सतो प्रधान स्टेज, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, और लास्ट में तमो प्रधान। और जब से प्रत्यक्षता की शुरुआत हो उसी समय से कहा जाएगा। कृष्ण के लिए कहें तो कृष्ण गर्भ में कब तक है और गर्भ से बाहर कब हुआ? तो गर्भ से बाहर हुआ माने शुरुआत हो गई। कृष्ण के बगैर पांडव नहीं, पांडवों के बगैर कृष्ण नहीं। मक्खन खाते हुए दिखाते हैं कृष्ण के जो 2 रूप दिखाए गए हैं
एक श्याम और एक सुंदर, वास्तव में दो रूप होते नहीं है इकट्ठे, लेकिन जो शास्त्रों में नाम दिया हुआ है श्याम सुंदर, वो इस समय वर्तमान स्वरूप की यादगार है। जो बेसिक नॉलेज वाले हैं, जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठा हुआ है, वो समझते हैं कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की आत्मा ही सन 68-69 तक श्याम पाठ बजाती है, और सतयुग में जब जन्म लेती है तो सुंदर पाठ बजाएगी। तो उनके लिए उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि वो ही श्याम सुंदर का पाठ है, लेकिन ये श्याम सुंदर एक का नाम है या दो व्यक्तित्व के नाम है? एक का नाम है। और 68-69 तक तो व्यक्तित्व एक अलग है, और सतयुग में जो जन्म लेगा वो तो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी ही दूसरी हो जाती है। तो दो पर्सनालिटियों के अलग अलग नाम थोड़े जोड़े गए हैं। वास्तव में वो कृष्ण वाली सोल, दादा लेखराज की सोल ही 76 से जिस तन में प्रवेश होकर के पाठ बजाती है साकार में, वो जब तक वो पुरुषार्थ संपूर्ण नहीं होता है, शिवो अहम जो बात बुद्धि में बैठी हुई है वो खलास नहीं होती है। मैं गीता का भगवान हूँ साकार में सृष्टि पर, ये बात जब तक खत्म न हो तब तक वो श्याम पाठ बजाती है। और जैसे ही ये बात खत्म हो जाती है, वैसे ही वो आत्मा सुंदर पाठ बजाती है। शरीर एक ही रहता है। संगम युगी कृष्ण की यादगार है, सतयुग वाले कृष्ण की यादगार सुंदर की पाठ की नहीं है। और ना संगम युग में दादा लेखराज के तन में जो कृष्ण की सोल ने पाठ बजाया उसकी यादगार है। ये श्याम सुंदर जो पाठ है वो शिव शंकर भोलेनाथ के पाठ की यादगार है, जो गीता का भगवान संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। बाबा, से सुना है जो जब आपकी विनाश होगी उस तुम्हारे जो प्रथम तो माता पर आए उससे एक हिस्सा बाहर हो जाता, अलग हो जाता। वो तो अलग है ही अभी। प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे गहरा सागर है, और उस सागर की खाह कोई ने आज तक ले ही नहीं पाई है, इतना गहरा है। उसका छिटका टूटा हुआ हिस्सा ही चंद्रमा है। टूटा हुआ हिस्सा होने की प्रूफ ये है कि वो पृथ्वी के चारों ओर अभी भी घूम रहा है, वो पृथ्वी के आकर्षण में रहता है। जैसे बच्चा होता है, माँ का बच्चा, तो माँ दूर चली जाए तो बच्चा कहाँ खींचेगा? माँ की तरफ खींचेगा। तो ऐसे ही ये चंद्रमा पृथ्वी माता का बच्चा है, ये उपग्रह के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन बाबा, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 2008 के बाद जब भगवान उपस्थित हो जाती है तो उस समय से चंद्रमा तो अलग ही हो सकता, वो तो पृथ्वी के मार्ग हो जाएंगे। तो युग में देखते होता कोई चंद्रमा नहीं देखा देता। अरे ये मनसा की शूटिंग होगी, ये प्रैक्टिकल में 5 तत्व भी सुधर जाएंगे। 2018 तक ये मनसा का ही परिवर्तन होगा, मन बुद्धि रूपी आत्माओं का ही परिवर्तन होना शुरू होगा, या 5 तत्वों की प्रकृति का भी परिवर्तन हो जाएगा है? इसलिए बोला है जब तक 5 तत्वों की प्रकृति का परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।
इसलिए वो चंद्रमा अलग ही रहेगा और ये पृथ्वी भी अलग ही रहेगी। तो नहीं होता अंधेरा क्यों होगा जब वहाँ चंद्रमा ही नहीं होगा। जब आज की दुनिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ऐसे स्थान हैं जहाँ 6-6 महीने तक दिन ही बना रहता है, तो क्या नई दुनिया में कोई ऐसा दुनिया का स्थान नहीं हो सकता पृथ्वी की धुरी चेंज होने से कि जहाँ सदैव दिन ही दिन बना रहे आधा कल तक? हो सकता है अब ज्ञान की चमक होगी, वो ज्ञान की चमक मारेंगे। 9 लाख एक साथ कैसे चमक मारेंगे? नंबर बार संपन्न बनेंगे कि एक साथ चमक मारना शुरू कर देंगे, नंबर बार आएंगे मंच तक। आज दुनिया भक्ति मार्ग में दामोदर बला है, नवलक्ष्मा बिना छोटी हिस्सा इतना सब निष्ठा सब क्या क्या ये मतलब क्या है? अगर क्या हिंदी को लोग मिक्स करके बोल रहे हैं आप बंगाली में बोल दीजिए शुद्ध धड़ाधड़, नहीं तो आदि जो बंगाली समझने वाले हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। बाहर की दुनिया में कहते हैं ब्राह्मणों की नाम वो लक्षण है, वो ना लक्षण का नाम बता रहे हैं भाई निष्ठा इत्यादि हो गया है लक्षण विद्या बिना ही प्रतिष्ठा विद्या विद्या तब जब ब्राह्मणों की 9 पुरियां क्यों गाई गई हैं? 9 पुरियां गाई गई हैं माना 9 प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वो 9 प्रकार के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उन धर्मों की जो भी विशेष गुण या अवगुण है उन ब्राह्मणों में विशेष रूप से समाये हुए, इसलिए ब्राह्मणों की 9 पुरियां गाई हुई है। वो 9 विशेष गुण धर्म उनमें जरूर समाये हुए होने चाहिए, नहीं तो 9 पुरियों को अलग अलग क्यों किया गया? 9 धर्म है और 9 धर्मों से कनेक्टेड ब्राह्मणों की 9 पुरियां जो अभी संगम युग में तैयार हो रही है, उन 9 पुरियों में 1 पुरी ऐसी है जिसका मुखिया वैल्यूलेस, उसकी कोई कीमत नहीं, बाकी 8 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है, उनको रत्नों के रूप में गिना जाता है। जैसे 9 रत्न है उनमें मोस्ट वैल्यूबल रत्न है हीरा और नॉन वैल्यूबल रत्न है पुखराज, पुखराज की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे ये 9 गुणों की बात कर रहे और सत्युग में 7 महाद्वीप रहेंगे कि नहीं? जब 7 महाद्वीप नहीं होंगे तो 7 सागर भी नहीं होंगे, वहाँ 1 ही सागर होगा और बाकी 7 समंदर में सारे ही महाद्वीप समंदर में समा जाएंगे, तो 1 ही सागर रह जाएगा या 7 सागर होंगे? जब 7 नारायणों ने ही अपनी खुदी को मर्ज कर दिया खुदा में तो 7 महासागर कहाँ से रह जाएंगे? अभी तो टकरा रहे हैं।
और टकराएंगे। ढेर सारे प्रश्न कर रहे हैं, मनमना भव नहीं बन गए, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया मनमना भव हो जाएगी, कोई प्रश्न नहीं पैदा होगा। तो सात सागर अलग अलग कहे जाएंगे कि एक ही सागर रह जाएगा, एक ही सागर रह जाएगा। हर धर्म के दो भाग हो गए। चाइना कौन सा धर्म खंड है? बौद्ध धर्म खंड है। लेकिन जो बौद्ध धर्म खंड हो या दुनिया का कोई भी धर्म खंड हो, वो कलयुग के अंत में आते आते नास्तिकवाद से प्रभावित हो जाता है या नहीं हो जाता है? तो वो हीन यान कहा गया, हीनता की ओर जा रहे हैं। जो हीनता की ओर जा रहे हैं वो अपनी हीन भावना को ही फैलाएंगे। और एक है महायान, जो भगवान को बुद्ध के रूप में मानते हैं, वो मूर्तियों को तोड़ने वाले और वो मूर्तियों को जोड़ने वाले, बनाने वाले। इसलिए तिब्बत में ज्यादा प्रभाव कौन से धर्म का है? जो साकार महात्मा बुद्ध को मानने वाले, तो झगड़ा तो जरूर होगा। और साइलेंस पावर क्या है और साइलेंस पावर कैसे जमा किया जाए? कॉन्सेंट्रेशन ही साइलेंस पावर है, और कॉन्सेंट्रेशन वो ही कर सकता है जिसको आत्मा और परमात्मा का असली परिचय मिल गया। परिचय के आधार पर जो जितना गहराई से याद करेगा उतना उसको पावर मिलेगी। यह है सूक्ष्म पावर, उन साइंसदानों की है एटम की पावर। वो एटम उनका है स्थूल, जो स्थूल अणु हैं उनको काट काट करके सूक्ष्म बनाते हैं। जैसे कोई दवाई होती है, कोई दवाई को जितना ज्यादा घिसा जाएगा उतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, ऐसे ही ये आत्मा को भी घिसना होता है स्मृति के खरल में। जितना हम आत्म की स्थिति को महीन बनाते जाएंगे उतनी हमारी पावर कॉन्सेंट्रेशन की बढ़ती जाएगी। अभी पावर बहुत कम है। फाउंडेशन में जो काम जितना अच्छा हो जाएगा वो लास्ट तक भी अच्छा ही देता रहेगा। जैसे मकान बनाया जाता है तो मकान का फाउंडेशन अर्थात नींव जितनी गहरी और जितनी पक्की बना दी जाएगी उतनी जास्ती लंबी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग भी कच्ची रह जाएगी। ऐसे ही जो ज्ञान में आते हैं, जिस समय ज्ञान में आते हैं उस समय ही जिन्होंने आत्म की स्थिति को प्रैक्टिस को ज्यादा पक्का कर दिया उनका फाउंडेशन पक्का हो जाता है। और जिन्होंने कच्चा फाउंडेशन डाला वो अंत मते उनकी वैसी ही कमजोर गति हो जाएगी। क्या पूछा? खाना पीने भी तो हो सकता है। बताया ना, अमृत वेला है शुरुआत। अमृत वेला माने सूर्य निकला। अमृत वेला का मतलब क्या है? सूर्य निकलने का टाइम। और आत्मा जब ज्ञान में आती है तभी उसके लिए सूर्य उदय होता है।
भोर भयो और सवेरा, आंख खुली और सवेरा। तो यहाँ ज्ञान की आंख जब जिसकी खुलती है उसके लिए वो अमृत वेला है। उस अमृत वेले फाउंडेशन के वेले में, उस बेहद के वेले में जो जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर लेता है वो उतना ही अंत समय में उसका सुहाला गुजरेगा। पावरफुल आत्मा बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होगी। और जिसने ज्ञान में आने के टाइम पर ही अलबेलापन धारण कर लिया, कुछ ध्यान दिया कुछ नहीं दिया, फाउंडेशन कच्चा हो गया। वो है बेहद का अमृत वेला। और ये सवेरे को जो 2 से 4-5 बजे के बीच में होता है ये हद का अमृत वेला। इसकी भी विशेषता है, प्रैक्टिस करके देख लो। अच्छी तरह से 2-4-4-3-4 बार चाय पी के बैठो, चाय पियेंगे तो अलर्टनेस आ जाएगी, लेकिन वो अल्पकाल की होगी। लेकिन प्रैक्टिस का पता चल जाएगा कि सारा अमृत वेला सोना नहीं। और फिर सारा दिन अवस्था देखो कितनी बढ़िया रहती, फिर वो आदत न पड़ जाए चाय पीने की, नहीं तो सब सत्यानाश कर देगी। जो नई सृष्टि की आदि करे तो आदि देवी, जो नई सृष्टि की आदि करे, दोनों ही साथ होकर के कार्य करती है या दोनों के अलग होने से कार्य संपन्न होता है, तो फिर ये तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। ऐसे नहीं अकेली लक्ष्मी से काम चल जाता है, लक्ष्मी भी चाहिए तो महालक्ष्मी भी चाहिए, नारायण भी चाहिए तो महानारायण भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए तो महाब्राह्मण भी चाहिए। ये ज्ञान ही प्रवृत्ति मार्ग है बाबा। महाकाली का पार रखना तो मार्ग में पूजा देती है, उसका बेहद का मतलब है कि विनाश का कार्य है वो शंकर का है या महाकाली का है, है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश क्यों गाया हुआ है? विनाश किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। इसका मतलब महाकाली पार्ट नहीं बजाती है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो ब्रह्मा कुमारियां सेवा का पार्ट बजा रही हैं या मजबूरी में सेवा का पार्ट बजा रही हैं? अभी किस बात की मजबूरी है? ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा कुमारियों की इस बात की मजबूरी है कि वो अंदर से जानती है कि एडवांस पार्टी बड़ी तीव्र गति से दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही है। अगर इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में आकर के वो सेवा के फील्ड में पाम पेंट शो कर रही है। ऐसे ही जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो ब्रह्मा कुमारियों में आधार मूर्त जड़े हैं दूसरे धर्मों की। वो आधार मूर्त जड़े दूसरे धर्मों की ज्यादा पावरफुल होती हैं या उन जड़ों के जो बीज हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं? कौन सा ज्यादा पावरफुल है? बीज ज्यादा पावरफुल है। और बीज एडवांस पार्टी में है या बेसिक में है? एडवांस पार्टी। उन बीजों में चंद्रवंश का भी कोई बीज है, इस्लाम वंश के भी कोई बीज है, बौद्ध धर्म वंश के भी कोई बीज है तो वो सारी ही जड़ें। नाम सबका दिया है ब्रह्मा कुमारी बी के, और ये सारे ही बीज हैं, इनका सबका नाम है पीवी के, है या नहीं? तो जो बी के ग्रुप है उस बी के ग्रुप का मुखिया कौन बीज है?
ब्रह्म, बादल एक रात, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। अब उस ब्रह्मा दादा लेखराज जो बड़ा मूला है, उस बड़ा मूला का बीज कौन है? ब्रह्मा का बीज कौन है? अम्मा का बीज कौन है? जगदम्बा। तो ब्रह्मा कुमारियां जिस तरीके से ग्लानी करके अपने को आगे बढ़ाना चाहती हैं, बाप को गुप्त करना चाहती है और अपने को भगवान के सामने प्रत्यक्ष करना, संसार के सामने प्रत्यक्ष करके भगवान का कार्य प्रत्यक्ष करना चाहती है, ऐसे ही बीज रूप आत्माओं के अंदर भी एक ग्रुप है ब्रह्मा कुमारियों का बीज, वो कौन है? जगदम्बा। तो वैसा ही पाठ बजाएगी जैसा ब्रह्मा कुमारियां ग्लानी करने का पाठ बजाती है, या कोई दूसरा पाठ बजाएगी? वो ही पाठ बजाएगी। इसलिए महाकाली का पाठ अपना है, लेकिन वो महाकाली का पाठ किसके लिए है? सूर्यवंशियों के लिए है या इतर वंशियों के लिए है? किसके लिए है? किसका विनाश होगा? कमजोरों का विनाश होगा या असल सूर्यवंशियों का विनाश होगा? कमजोरों का विनाश होगा। इसलिए महाकाली शंकर के ऊपर पांव रखे हुए है, तो काम किसका हो रहा है? किसका काम हो रहा है? शंकर का कार्य हो रहा है कि जितने भी कमजोर हैं, ईश्वरीय महावाक्यों पर ध्यान देने वाली आत्माएं नहीं है, आसुरी आत्माएं हैं, उन सब का विनाश हो जाए, पक्के पक्के रह जाएं और कच्चे कच्चे सब नई सृष्टि में उनके रहने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्य संपन्न किसने किया? महाकाली जगदम्बा ने ये कार्य संपन्न किया। तो शांत रहना चाहिए या विरोध करना चाहिए? है, शांत रहने से ही काम हो रहा है, विरोध करने की जरूरत क्या है? तो शंकर जी शांत पड़े हुए, महाकाली अपना काम मार काट का करती चली जा रही है। अच्छा, एडवांस पार्टी निकली, सन 76 से ही ब्रह्मा कुमारियों ने विरोध न किया होता बिल्कुल विरोध न किया होता तो अभी जो कार्य चल रहा है एडवांस पार्टी का ऑटोमेटिक, उसमें क्या अंतर पड़ता? नहीं, उसकी असलियत ये है कि उसी समय चारों तरफ आवाज फैल जाती है एडवांस पार्टी। तो नंबर वार ये जो अलग अलग धर्मों के बीज क्लियर हो रहे हैं, वो क्लियर नहीं होते। अभी एडवांस पार्टी में हर धर्म के बीज, अलग अलग छिलके वाले कौन कौन है, कैसे कैसे है, वो क्लियर होता जा रहा है। मालाएं क्लियर हो रही है, अंत में सारी मालाओं के मणके और उनकी प्रजा क्लियर हो जाएगी। जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा। इस्लाम धर्म का बीज होगा तो इस्लाम धर्म वालों को ही फॉलो करेगा। ये सारा क्लैरिफिकेशन होना, इसलिए जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा प्लान अनुसार सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कहना चाहिए ब्रह्मा कुमारियां इतना विरोध क्यों करती हैं, उनके विरोध करने से हमको फायदा हो रहा है। इसलिए महाकाली का भी अगर पार्ट आता है ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में संहार करने का, तो हमारे लिए फायदेमंद है, माला प्रत्यक्ष होने वाली है। नहीं तो माला के मणके, चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की हो, चाहे 1008 की हो, चाहे 16108 की हो, वो माला के मणके नंबर बार प्रत्यक्ष नहीं होंगे। और
माँ काली का पाठ कब तक हो जाएगा? जब तक कमजोर पुरुषार्थियों की जान न निकल जाए। प्रकृति और महाकाली और पृथ्वी और जगदम्बा, ये कोई अलग अलग पार्ट है क्या? ब्राह्मण समाज में जैसे कमजोर आत्मा जाएंगे ऐसे साक्षी होके ड्रामा देखो, बोल बोल से नहीं क्या चलेगा। सारा आत्मा की यादगार है या शरीर की यादगार है? तो आत्मिक स्थिति में रहती होगी, देह की याद में नहीं रहती होगी। कीचड़ में कमल फूल समान जीवन बिताया है, उसकी यादगार है तारा माता। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तारा देवी। मुसलमानों का जो झंडा होता है उसमें चंद्रमा के ऊपर क्या दिखाते हैं? तारा दिखाते हैं। और संकल्पों का खून पिया है। जब किसी की मौत होती है ज्ञान मार्ग में चलने वालों की, अनिश्चय बुद्धि रूपी जब मौत होती है तो संकल्पों का खून बहेगा या नहीं बहेगा? ये संकल्पों का खून सबसे जास्ती किसके मुंह में जाएगा? एक नाम श्याम नहीं है, श्याम नाम नहीं है एक नाम, वो अधूरा नाम है। उनका असली नाम क्या है? श्याम सुंदर। हाँ जी, श्याम सुंदर जो रंग है कलर है शरीर की बात ही नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से हद की बातें करते हैं या बेहद की बातें करते हैं? देह की बातें करते हैं या विदेही पने की बातें करते हैं? देह की तो बात ही नहीं है, ये तो आत्मा की बात है। आत्मा श्याम पाठ बजाती है, काले मुंह का पाठ बजाती है तो कहते हैं काला मुंह कर लिया। गोरा पाठ बजाती है तो कहते हैं सुंदर पाठ बजाया। और चलो।